गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूँ अभी यहाँ पर कलसी उत्तराखंड गांव के एक छोटा सा विलेज है कलसी, जहाँ पर हमारा अशोक शिलालेख रखा हुआ है। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये एक ही शिलालेख है जो सम्राट अशोक के शासनकाल का कह सकते हैं विटनेस है। कलसी उत्तराखंड के देहरादून में एक छोटा सा गांव है जो देहरादून से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। कलसी में दून घाटी के कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये जगह सम्राट अशोक के गौरव का भी गवाह है। उत्तर भारत में केवल कलसी में ही सम्राट अशोक का शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट है। अनूठी प्रकृति के बीच बना ये शिलालेख सम्राट अशोक के आंतरिक प्रशासन के विषय में बताती है। पत्थर पर उकेरे गए ये उपदेश इस बात को प्रूफ करते हैं कि सम्राट अशोक के बोले गए उपदेश मात्र उपदेश नहीं थे, ये व्यवहार में भी इस्तेमाल किए गए थे। तो ये है अशोक शिलालेख फ्रेंड्स, यहाँ पे अशोक के लिखे हुए शिलालेख है। से देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी सी छोटी छोटी चीज़ें देखिए लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये देखिए इस शिलालेख में ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ये देखिए अशोक शिलालेख के बारे में यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत टाइम पहले, मतलब ये शिलालेख यमुना नदी के किनारे पर है और यहाँ बहुत टाइम पहले आप कह सकते हैं बाढ़ आई थी जिसमें ये शिलालेख दब गया था। तो इस शिलालेख में अशोक, सम्राट अशोक के सारी टीचिंग्स, बौद्ध धर्म से रिलेटेड उसने क्या क्या काम किए अपने शासनकाल में, उसके लास्ट पड़ाव में उसने ये शिलालेख स्थापित किया था, लिखवाया था। ये प्राकृत भाषा में है और इस शिलालेख में अशोक की करीब सारे कार्य अंकित किए हुए हैं। ये बहुत छोटी सी जगह में है, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन इसका जो एंट्रेंस है वो इतनी छोटी सी लेन में है कि आपको इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, हमें भी पूछ पूछ के आना पड़ा काफ़ी। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के कुल 33 अभिलेख मिले हैं जिन्हें अशोक ने स्तंभों, शिलाओं यानी चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर खुदवाए थे। ये आधुनिक समय में बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में कई जगह पर मिलते हैं और बुद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। अशोक के 11 दिग्र शिलालेख यानी बृहद शिलालेख कई जगह पर मिलते हैं, जैसे धोली में, ये उड़ीसा के पुरी ज़िले में है, शाहबाजगढ़ी में जो कि पाकिस्तान पेशावर में है, मानसहरा ये भी पाकिस्तान के हाजरा ज़िले में है, कलसी आपको बताया ही है ये देहरादून में है, जौगढ़ ये उड़ीसा के जौगढ़ में है, सोपरा ये महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में पड़ता है, एरागुडी ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में है और गिरनार ये जूनागढ़ के पास पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और अगर आपके मन में कोई बात है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन, बाय बाय।